नाजीन फैसलाबाद में कातिल डोर से आसिफ की मौत के बाद मोटरसाइकिल सवारों के लिए बाइक स्पेयर पार्ट्स मार्केट में तो हिफाजती एंटीनर्स आ गए। ये हिफाजती एंटीनर कितने कारामद हैं, इनकी क्या कीमत है, कहाँ से मिलते हैं, आइए चल के जानते हैं। इस वक्त मैं हुसैन अली आजम डेकोरेशन पर मौजूद हूँ और मेरे साथ शानी भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि माशाल्लाह से ये तार है, इसको कहते हैं क्या, एंटीनर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? सेफ्टी रॉड कहते हैं सर हमारे। जी हम सेफ्टी रॉड कहते हैं इसको। ये बताएं कैसे ये तैयार होता है, कैसे बनता है? ये फाइबर के अंदर बना हुआ होता है दोस्त, इसीलिए फ्लेक्सिबल होता है। अगर खुदा ना खास्ता इसके अंदर डोर वगैरह फंसती भी तो इसके ऊपर से क्रॉस हो जाएगी, लेकिन इसमें जो ड्राइवर होगा, जो बैठा होगा गाड़ी चला रहा होगा, उसके ना लगेगी, ना उसकी जान का नुकसान होगा, ना उसके माल का नुकसान होगा। इसका ये बेनिफिट होता है कि डोर इसके अंदर ना लगेगी, ना बंदे को कोई नुकसान होगा, और ये कोई ज़्यादा कीमत भी नहीं होती। मुख्तसर सी कीमत के अंदर है, 200 रुपये की कीमत के अंदर है, आपकी बाइक पर लग जाएगा, आपकी जान की हिफाजत करेगा, आपके व्यूवर्स की जान की हिफाजत करेगा। ये बहुत बेहतरीन चीज है, इससे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी जान का नुकसान नहीं होगा। सर ये कहाँ तैयार होते हैं, कोई बड़े कारखाने में तैयार होते हैं या आम? जी जी ये कारखाने में तैयार होता है, मुल्तान में हमारे इसके अपने कारखाने हैं, ज्यादातर हम इसको इंपोर्ट भी करते हैं बाहर से, दूसरे शहरों से, जिस तरह भावलपुर वगैरह से हम इसको इम्पोर्ट करते हैं। सर इसकी लेंथ कितनी? इसकी 4 फुट की लेंथ होती है दोस्त, ये 4 फुट का होता है नीचे से, ये ऊपर तक 4 फुट का होता है। सर ऐसा नहीं कि नाम है, अगर यहाँ से डोर लाजमी कि यहाँ से दरमियान से भी डोर जा सकती है किसी भी तरह से? इसीलिए हमने इसका ये निकाला है, हल्क ज्यादातर लोग लगवा लेते हैं सिंगल, वो होता है गलत, आपको लगवाना चाहिए डबल, तो डोर बहुत दूर से क्रॉस हो जाएगी, आपके गले तक भी नहीं आएगी और आपकी बाइक पे राइडर ज्यादातर सीट के पास उस तक भी नहीं आएगी, और सेफ्टी ज्यादा से ज्यादा ही रहेगी। सर अगर कोई बंदा एक लगाते तो क्या मतलब, वो ज्यादा सेफ नहीं है? एक रॉड ज्यादा सेफ नहीं है, उसका कोई प्रोबेबली उतना कोई खास उसका फायदा भी नहीं है मेरे अंदाजे में। ज्यादातर दो का ही लगाना चाहिए आपको अपनी बाइक पे, ताकि आपकी मुकम्मल तौर पे सेफ्टी हो जाए। सर कातिल डोर जो होते हो तो बड़ी क्या नाम है तेज होती है, शार होती, शीशे की बनी होती है, ऐसा नहीं कि वो अगर स्पीड में आ रही हो तो इसको भी साथ काट दीजिए? नहीं, ये फाइबर के अंदर बना हुआ, ये इतनी आसानी से नहीं कटेगा, इसको तोड़ा जा सकता है लेकिन इसको काटा नहीं जा सकता, ये टूट सकती है। अच्छा ये बताइएगा माशाल्लाह ये तार है, इसको खूबसूरती के तौर पर इस पर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर सिर्फ सेफ्टी के तौर? इसीलिए हमने इसको ना थोड़ा सा रंगीन और थोड़ा सा इस तरह डिफरेंट तरीके से बनाया है, ताकि लोगों को ये पसंद भी आया, कुछ लोग सिंपल्स को पसंद नहीं कर रहे थे, तो इसलिए हमने इसको जरा थोड़ा सा फैंसी बनाया, इस तरह ही हमने निकाले हुए फैंसी से, तो सिंपल भी होते हैं वैसे, अगर किसी को सिंपल पसंद हो तो वो सिंपल लगवा ले, लेकिन ज्यादातर फैंसी ही चलते हैं। किस तरह से इंस्टॉल किए जाते हैं बाइक? ये इंस्टॉल में हम इधर शाख बोल्ट के अंदर लगाते हैं इसको, इधर नट खोलकर इसके अंदर फिक्स कर देते हैं दूरबीन वाले नट के साथ, ये बड़ा जबरदस्त करके फिट हो जाता है इस तरह, और राइडर का जो सर है उससे तकरीबन 1 फुट ऊपर ही होता है, 1.5 फुट ऊपर ही होता है, इसलिए उसको ऊपर से भी कोई अगर खतरा हो तो वो खतरा भी उसका नहीं होगा। सर इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, जब मसलन कि अगर हम ड्राइव कर रहे हो तो आगे हमारी फेस के आगे बार बार आ रहे हो और डिस्टर्बेंस? नहीं, इसीलिए हमने इनको साइडों पर इंस्टॉल किया, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल सेंटर में इंस्टॉल कर देते हैं, उससे व्यूअर जो राइडर होता है उसको सामने का नजर नहीं आता, व्यूज नहीं उसको सही नजर आता, इसीलिए हमने इसको साइड पर इंस्टॉल किया है, तो सामने से उसको ईजिली नजर आएगा और उसके सर पर भी नहीं लगेगा फिर भी, और अगर कोई मसला होता है तो हम इसको इस तरह ऊपर से बांध देते हैं ना, इससे ये बिल्कुल पक्का हो जाता है और जो राइडर होता है उसको नहीं तंग करता, अपनी ही जगह पर महदूद रहता है। सर ऐसा हो सकता है कि हवा के प्रेशर से कि ये टूट जाए, इधर उधर हो जाए? नहीं, इतनी तेज खैर हवा भी नहीं, और फिर मैं आपको बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ कि ये फाइबर के अंदर बना हुआ है, ये इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, इतनी जल्दी खराब नहीं। अगर बहुत ज्यादा तेज अगर ड्राइव कर रहा हो बंदा तो फिर भी नहीं? देखें ये फुल स्ट्रेचेबल होता है, जल्दी नहीं टूटेगा किसी भी सूरत। जी सर ऐसा हम देखते हैं, अब जैसे कि अब इसकी डिमांड बढ़ गई है मार्केट में, तो पब्लिक का क्या रिस्पांस है, क्या कहते हैं? यार मैं बहुत अच्छा रिस्पांस देख रहा हूँ पब्लिक का, पब्लिक अपनी जान की हिफाजत रखना चाहती है, लोगों को अपनी जान की एहतियात, खासतौर पर यंगस्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं और उनको आना भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ बाइक यंगस्टर ही चलाते हैं, यंगस्टर को आना चाहिए, ये डोर लगवानी चाहिए, जान से कीमती कुछ भी नहीं मेरे भाई, ये चीज़ उसको हर हालत में अपनी बाइक पर लगवानी चाहिए, खुदा ना खास्ता अगर गले
गले के ऊपर डोर आ गई, फिर उसका क्या बनेगा? उसके घर में माँ है, उसका बाप है, उसकी माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, और उसके साथ जो फैसलाबाद में हादसा हुआ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और बहुत से हमारे व्यूवर्स भी जानते हैं, बिल्कुल खतरनाक काम है, जानलेवा डोर है, बंदे के साथ जान की भी नुकसान है और साथ उसके घर वालों का भी नुकसान है। इतना बड़ा इंजीनियर है, छोटा भी हो जाता है कि फिक्स है? अगर आप करना चाहे तो हम इसको छोटा भी कर लगा देंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन बड़ा हो तो अगर हमारे जो राइडर थे वो चेक से छोटा भी कर लें और बड़ा भी कर लें। हाँ, इजी है, फैसिलिटी भी है, हर चीज की फैसिलिटी अवेलेबल है, हर चीज फैसिलिटी अवेलेबल है। ये बताइएगा फैसलाबाद से पहले इसकी कितनी डिमांड थी और अब कितनी डिमांड है? फैसलाबाद की सानी से पहले इसकी नॉर्मल सी डिमांड थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा डिमांड है और अब बहुत ज्यादा लोग इसको अप्रोच भी कर रहे हैं और आकर लगवाना भी पसंद कर रहे हैं। पहले कितनी सेल हो जाती थी और अब कितनी सेल हो जाती है? पहले भी ये नॉर्मली सेल हो जाती थी, 3-4 एक बाइक पे, 2 बाइक पे लग जाती थी, लेकिन अब ये है कि डेली की 10-12 बाइकों पे ही लग रहा है और लगवाना भी चाहिए, ज्यादा जरूरी है। अच्छा सर, अब हम देखते हैं जैसे मार्केट में जब कोई सीजन आता है या इस तरह कोई वाकया होता है, हम देखते हैं रमजान आते हैं महंगाई कर दी जाती है, अब इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इसके रेट में भी कुछ इजाफा हुआ है? वो ऐसा कोई दोस्त, हम ये सिर्फ 200 रुपए के अंदर बाइक के ऊपर लगा कर दे रहे हैं, कोई इसके फालतू चार्जेस नहीं ले रहे। हालांकि पहले हम ये 300 रुपए में लगा कर देते थे, जब से ये सानिया हुआ उससे हमने उल्टा पहले 50 कम किया, 250 पे आ गए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम 200 पे आ गए, हमने और मजीद कम कर दिए ताकि इसकी डिमांड इंक्रीज हो और लोग अपनी जान की हिफाजत कर सकें। और देखने वाले को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि वो इस तरह के सेफ्टी रॉड्स का इस्तेमाल करें? नहीं, करना तो उनको चाहिए हर हालत में सेफ्टी रॉड्स का इस्तेमाल, और ये उनकी जान की हिफाजत के लिए है, उनको जाहिर सी बात है जान हर किसी को प्यारी होती है, उसको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए इस चीज़ का। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, हमने आज आपको दिखाई कि कैसे जो ये सेफ्टी एंटीनर्स हैं इंसानी जान का तहफ़ कर सकते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कैसे तैयार होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान वासिफ़ इकबाल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।